फ्रेंड्स, संगीता मिश्रू चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल बच्चों के बहुत फेवरेट मुरमुरे के लड्डू, जो हम सभी ने बचपन में बहुत खाए हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मुरमुरे के लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता मिश्रू पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कप फुल भरकर गुड़ लिया है, एक चम्मच हमें घी लेना है और 3 कप हमें मुरमुरे लेने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मुरमुरे या पफ राइस को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जिससे ये और अधिक क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब मैं गैस बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम पैन में 1 छोटा चम्मच घी लेते हैं और इसमें हम 1 कप मैंने फुल भरकर गुड़ लिया है, ये इसमें हम डालते हैं। 1 कप फुल भरकर मैंने गुड़ लिया है और गुड़ यदि थोड़ा कड़क हो तो आप इसे थोड़ा सा कूट ले, जिससे ये नरम हो जाएगा, या फिर हम 1 से 2 चम्मच इसमें पानी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है। ये थोड़ी थोड़ा मेल्ट होने लग गया है, फास्ट फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो जिससे गुड़ कैरमलाइज होने लगेगा वो हमें नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर मेल्ट कर लिया है। इस तरह से बबल्स आने लग गए हैं, ये देखिए, ये नीचे का पैन भी छोड़ रहा है गुड़, इसका मतलब कि हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें हम ये हमारे मुरमुरे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें। मैंने कढ़ाई को गैस पर से उतार लिया है, जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। एकदम ठंडा भी हमें इसे करना नहीं है। फ्रेंड्स, 1.5 मिनट के लिए ठंडा किया है, ज्यादा ठंडा नहीं करना है। और हम अब हाथ में थोड़ा पानी लगा लेते हैं और गरम गरम ही इसके लड्डू बनाए जाते हैं। इसी तरह हमें दूसरा लड्डू भी बनाना है। हम हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के बना सकते हैं। हाथ में पानी हमें इसलिए लगाना है कि एक तो हाथ में ये चिपकेगा नहीं और गर्म भी बहुत है, और हमें घी बिल्कुल नहीं लगाना है। घी लगाएंगे तो हाथ में छाले पड़ सकते हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे मुरमुरे के लड्डू रेडी है। इस संक्रांति पर बच्चों के लिए ये ट्रेडिशनल रेसिपी जरूर बनाइए। फ्रेंड्स, आपको ये मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।